क्या लड़कियां जरूरत से ज्यादा छूट देने का या जरूरत से ज्यादा उनकी उनको आजादी दिए जाने की का गलत फायदा उठा रहे हैं? ऐसा मुझे लगता है कहीं देवा, क्योंकि एक जिस तरह का की घटना भी कुछ कुछ ही दिन पहले, 2-4 दिन पहले जो मैंने देखा मेरे आंखों के सामने, वो इस तरह की घटनाओं को देख के लगता है कि वाकई में लड़कियां जरूरत से ज़्यादा छूट देने का गलत इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, हिंदुस्तान स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जय मैम नंदिनी। बेटी जब घर में होती है ना, खुशियों का एक अलग ही माहौल होता है, वो बात अलग है। पहले ज़माने में लड़कों को पहले से, आज भी है, लड़कों को ही महत्व दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लड़की आने की खुशी ही कुछ और होती है। किसी भी चीज़ में आप लगा लो, अगर लड़की चाहे अविवाहित है या उसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद भी घर में अगर कोई काम नहीं होता, जब तक लड़की नहीं आती तब तक वो रौनक होती ही नहीं। और बदलते वक्त के हिसाब से जिस तरह से लड़कियों को हर चीज़ की आज़ादी दी जा रही है, तुम अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जियो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तुम्हें पंख दे दिए गए हैं। आज आज़ाद सोच ने तुम्हें एक नए पंख दिए हैं, उड़ो, नए आसमान को तलाशो। जब लड़कियां उसी छूट का गलत फ़ायदा उठाते हैं तो माँ बाबों को कितनी तकलीफ होती है, वो दर्द किसी उस सागर से मैं भी समा भी उसके लिए कम पड़ जाएगा, उस दर्द को समझने के लिए, उस दर्द को समेटने के लिए। अभी पीछे कुछ दिन पहले मैं बस स्टैंड में खड़ी थी, आ रही थी मैं कहीं से, एक बाप मोबाइल पे बात करता इतनी जोर से, बेतहाशा, हो सकता है उसने थोड़ा कुछ पिया हो या उसने ना पिया हो, क्योंकि उसको तो पीने की ज़रूरत भी नहीं थी। जिस तरह से वो बातें कर रहा था, मैंने देखा, अपने किसी मित्र से बात कर रहा था फ़ोन पे कि मैं इस लड़की की शादी करके कहीं चला जाऊँगा। मैंने इतनी सी उसकी बात सुनी तो मैं वहाँ पे थोड़ा रुक गई, उसकी बातों पर तो थोड़ा ध्यान से सुनने लगे, मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ किया इसके घर में इसकी बेटी ने, तो बेचारा, हालांकि मैंने उससे कुछ बात नहीं की, कुछ ना पूछा, क्या पूछना था उसकी, जो उसके हालात थे, जितना बेतहाशा वो इंसान फ़ोन पे बात कर रहा था कि मैं जब जिस लड़की को मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला, उसने मेरे लिए एक सुई के नोक के बराबर, उसने मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, उसने मेरे घर के बारे में नहीं सोचा, उसने माँ बाबों के बारे में नहीं सोचा। हम उसका गलत थोड़ा सोचेंगे, कोई भी माँ बाप औलाद का गलत कभी नहीं सोचेंगे, और माँ औलाद को कम से कम ये सोचना चाहिए था, माँ बाप हमारे लिए हमसे बेहतर ढूंढेंगे। और आजकल के माँ बाप आज़ाद ख्याल हो गए हैं, वो अपने बच्चों की पसंद को मैं हर हाल में राजी रहते हैं, लेकिन उस लड़की ने कुछ तो ऐसा गलत चुना था, कुछ तो ऐसा गलत किया था जो उसको माँ को लग रहा था कि हमारी बेटी का भविष्य जो है खतरे में, मेरे घर की इज्जत जाओताओं पर लग गई है। उसने, वो आदमी फ़ोन पे बात कर रहा था अपने मित्र से कि मैं उसकी शादी करके कहीं चला जाऊंगा, और मैं थाने में जाके मैं लिख के दे के आया हूँ कि अगर ये लड़का कल को इसका मर्डर कर देता है, ये लड़का इसको कहीं बेच देता है, किस कोई गंदा काम इससे करवाता है, मेरे पास कोई शिनाख्त के लिए नहीं आएगा, चाहे ये मर जाए, बीत जाए, जो भी हो जाए, कोई पुलिस मेरे पास शिनाख्त के लिए नहीं आनी चाहिए कि ये आपकी बेटी थी या क्या थी। और मैंने लिख के दिया, मेरी पत्नी ने बोला था, सुनीता उसकी पत्नी थी, कह रहा है सुनीता ने उसमें अपनी गवाही दी है, हम दोनों मियाँ बीवी राजी हैं, कह रहे हम किस दर्द से गुजर रहे हैं, उस लड़की को अंदाज़ा भी नहीं है, कहते मैंने लिख के दे दिया वहाँ पे, और मर भी जाएगी, हमारे पास कोई शिनाख्त के लिए नहीं आए, पहले तो कहते हम वो जगह ही छोड़ देंगे, और अगर बाई चांस किसी तरह से पुलिस हमारे पास पहुँच भी गई, हमने पहले ही अपना जो है लिख के साफ कर दिया चीज़ें कि हम उसके भागीदार नहीं हैं, हम उसके जिम्मेदार नहीं। बहुत बड़ा उदाहरण पेश करता है ये हादसा लड़कियों के लिए। मैं उन लड़कों सारी लड़कियों से कई दफ़े मैंने वीडियो बनाती हूँ, मैं जिस तरह से हालात होते हैं, लड़की लक्ष्मी रूप है, वो उसको सोचना चाहिए मैं अपनी पसंद का साथी चुनो, कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब अपनी पसंद का साथी चुन रहे हैं, कम से कम अपनी भावनाओं से पहले, अब कहीं बहक जाने से पहले एक बार माँ बाप की बात को ध्यान से सुन लो कि माँ बाप क्या कह रहे हैं, वो लायक है भी या नहीं है,
तुम सिर्फ अपने जज्बातों में अपने स्वार्थ के लिए अपने घर की इज्जत को दांव पे लगा देते हो, अपने परिवार की इज्जत को दांव पे लगा देते हो, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी फिर नर्क हो जाती है। आप लोगों को ये याद रखना चाहिए कि कल को कुछ भी हो जाए, हमारे लिए रोने वाले सिर्फ हमारे माँ बाप ही होते हैं। जो तुम्हें लेके जाएगा, जो तुम्हारे साथ गलत करेगा, जो तुम्हें कुछ भी तुम्हारे साथ कर देगा, वो कभी नहीं रोएगा। हर हालत में आंसू माँ बाप के हिस्से में आते हैं। इस लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि और तुम दूसरी लड़कियों के लिए क्या उदाहरण पेश कर रहे हो। इस तरह के हादसों से दूसरी लड़कियों के आगे बढ़ते हुए रास्ते भी बंद हो जाते हैं। लड़की भगवान की बनाई हुई बहुत ही खूबसूरत एक किताब है, एक फूल की तरह लड़की है। लक्ष्मी रूप लड़की का है, सरस्वती उसका है, दुर्गा उसी का है रूप है। जब जब हालात जैसे मिलते हैं वैसे बदल लो, पर माँ बाप की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। माँ बाप के कोई वो दर्द मत दो जो कल को आपके लिए अभिशाप बन जाए। होता है ऐसा, कई दफ़े होता है। माँ बाप के तकती के भावनाओं को अगर आप ठेस पहुंचाओगे तो निश्चित रूप से आप अभिशापित होगे, आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। ये बात है, क्योंकि मैं उस आदमी के दर्द को जितनी तरह से मैं महसूस कर पाती, मैं उसे बात भी नहीं कर पाई। क्या बात करते, और लोग भी बहुत सारे लोग खड़े होकर सड़क में बोल रहा था। तो मैं कहना चाहूँगी लड़कियों को, तुम अपनी पसंद का साथी चुनो। जब तुम्हें आज़ादी दी गई है कि अपने मन की मन चाहे पढ़ाई करो। माँ बाप आजकल लड़के लड़की में कोई भेद किए बगैर हर वो ऊंचाई देने के लिए तैयार है लड़कियों को भी। जहाँ पे ये कहा जाता है कि कहा जाता था पहले लड़कियों को शादी करके टाइम से इन्हें अपना घर भेज दो और हमारी बदनामी होगी, ये हालात दूसरी लड़कियों के सामने नहीं आने चाहिए। कई लड़कियाँ आगे बढ़ने से रुक जाती हैं इसमें, और कई माँ बाप फिर डर जाते हैं कि लड़कियों को पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं, इन्हें आज़ादी दी जाए या ना दी जाए। और लड़की कम से कम घर की इज्जत सबसे ज़्यादा लड़की के हाथ में होती है। तुम्हें पंख दे दिए घर वालों ने उड़ने के लिए, तो इसका गलत इस्तेमाल मत करो। दूसरों को सही उदाहरण दो, दूसरों की लड़कियों के एक सही रास्ता खोलो, और दूसरे माँ बाप को भी डर ना हो कि यार लड़कियों को पढ़ा लिखा के क्या फ़ायदा है, आज़ादी देके कल को हमें ये देखना पड़े। इसलिए इस सोच से आप बाहर निकलो, माँ बाप की भावनाओं को समझो, अपने घर की इज्जत को ध्यान पे रखो। जब माँ बाप तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके तुम्हें पसंद का साथी चुनने तक का अधिकार माँ बाप ने दिया है, तो फिर कुछ तो तुम गलत कर रहे हो। जहाँ पर अगर माँ बाप रोकते हैं वहाँ पर कुछ तो गलत होगा। माँ बाप की भावनाओं का ध्यान रखना ये हर लड़की की जिम्मेदारी है। और याद रखो ना, दुनिया में कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ कोई साथ नहीं देगा, आंसू माँ बाप के ही हिस्से में आते हैं। इस बात को याद रखना चाहिए। नमस्कार, मैं सभी लड़कियों से एक ही बात कहना चाहूँ, आगे बढ़ो, अपने पसंद का साथी चुनो, माँ बाप की इज्जत को ध्यान में रखते हो, ऐसा काम करो जो सबके लिए एक मिसाल बने, एक नया रास्ता खुले। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए रास्ता बंद हो जाए, लोग दूसरों के लिए डर पैदा हो जाए, फिर लोग ये ना कहें यार वही ज़माना ठीक था जब लड़कियों को पर्दे में रख दिया जाता था और वक्त से पहले इन्हें विदा कर दिया जाता था। मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे का।